सबसे पहले आपने क्या करना है, कैफे की सेल्स लिखनी है 47,000 ये लिख ली। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन्वेंट्री लिखनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री, वो कितनी है 930। आप लोगों ने लिख ली? यस सर। उसके बाद बेटा क्या करना है, परचेजेस की जगह को खाली छोड़ लें और परचेजेस के बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख लें, वो कितनी है 790, वो माइनस कर दें। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने माइनस कर दिया। अब आ रहे हैं परचेजेस की तरफ। परचेजेस में सीन क्या है बेटा, परचेजेस में सीन ये है हमारे पास कि ऊपर हमने कुछ पैसे दिए हैं 12,400, हमने कुछ पैसे दिए हैं 12,400 और इन पैसों के अंदर कुछ पैसे बकाया हैं साल के आखिर में, कुछ साल के शुरू में थे। तो बताएं क्या करेंगे, मुझे बताएं। एक तरीका तो ये है कि ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाओ, दूसरा तरीका ये है कि जो आपने पैसे दिए हैं, आपने पैसे दिए हैं कितने, 12,400। इस 12,400 में आप 1,100 ऐड करें और माइनस कर दें 1250, मुझे बताएं कितना आंसर आ जाएगा। 12,400 में 1,100 ऐड कर दें और 1250 माइनस कर दें, जी जी बेटा 12,550 आ जाएगा। ये हो जाएगी हमारी परचेसेस। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये जो जाएगा ये हमारी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये क्या हो जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद एक्सपेंसेस में हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा एक्सपेंस है जिसके आगे कैफे लगा हुआ है। तो अगर आप जाके देखें यहाँ लिखा हुआ है वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस ऑफ कैफे मैनेजर, मतलब वेजेस ऑफ कैफे मैनेजर, कोई कैफे मैनेजर रखा हुआ है उसकी वेजेस, उसकी वेजेस। ठीक है, तो हम उसको कितने पे, हमने इसको कितने पे किए हैं 14,000, हमने उसको 14,000 पे किए हैं। और नीचे अक्रूड भी आ रहा है, देख लें। ये अक्रूड सवाल में नहीं गिवन था, हमारे कोर्स से एक टॉपिक हट गया है, उसमें फाइंड करना था, वो मैंने हटा दिया। ठीक है ना, तो ये मैंने खुद से लिखा है यहाँ 1400 अक्रूड। तो मुझे बताएं क्या करेंगे इसके साथ, 1400 अक्रूड के साथ जो 14,000 में ऊपर दिया हुआ है, ये 1400 उसमें ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? प्लस करेंगे, शाबाश बेटा। अच्छा जी, ये हो गया सर। उसके अलावा बाकी एक्सपेंसेस जो इनका ताल्लुक कैफे से नहीं है, लेकिन 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 उसने यहाँ पर एडजस्टमेंट 3, 4 में और 5 में बोला है कि जो हीट एंड लाइट है उसका आधा जो है वो कैफे में जाएगा। और हमारे पास क्या बात कह रहा है कि जो आपके पास जो वो है, जो इसका हाफ है, ये जो है क्या नाम है अपना इक्विपमेंट एंड फिक्सचर का, ये भी कहाँ जाएगा, ये भी आपके पास कैफे में जाएगा, एक हीट एंड लाइट का और एक आपका क्या नाम है इक्विपमेंट फिक्सचर का। अब गौर से सुनिएगा सर, इसको कैसे करेंगे। मेरी आवाज कट रही है बेटा, मेरी आवाज कट रही है? नहीं बेटा, अब्दुल बासित मैं वैसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, मैं वैसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आपको आवाज मेरी कट रही हो या क्या, तो आपको मसला नहीं होगा, परेशान नहीं हो, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। अब सर सुनिएगा, इसको कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले हम हीट एंड लाइट के ऊपर आते हैं, हीट एंड लाइट के ऊपर आते हैं। हीट एंड लाइट जो सवाल में दिया हुआ है वो ये रहा, ये हमने पे किया है बेटा, ये हमने 1,000 रुपए क्या किए, पे किए, हमने पे किए। पहले करेंगे इसको एडजस्ट, हाफ करने से पहले इसको करेंगे एडजस्ट। सर क्या मतलब, अगर कोई अक्रूड है या कोई प्रीपेड है तो वो एडजस्ट करेंगे। तो पहले हम नीचे एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो ये रही एडजस्टमेंट, हीट एंड लाइट ड्यू, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। बताएं क्या करेंगे इसका, साल के आखिर में जो ड्यू दिया हुआ उसका क्या करेंगे बेटा, जो 720 और साल के शुरू वाला माइनस कर देंगे। तो मैंने यही किया है, जो साल के आखिर में दिया हुआ है 720 मैंने ऐड किया और साल के शुरू वाला मैंने माइनस किया, तो नेट मेरे पास जो वो आ गया, क्या बोलते हैं वो आ गया 1200। ये हीट एंड लाइट मेरे पास आ गया 1200। अब मेरा सवाल है, हम कितना लेके जाएंगे सर, हाफ लेके जाएंगे। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ना कैफे की, तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंसिस में कैफे मैनेजर की वेजेस लिखने के बाद हम लोग क्या नाम है 1200 का आधा लेंगे, वो कितना बनेगा 600। ये 600 जाएगा आपकी कैफे की इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। यहां तक बात क्लियर है मेरी, यहां तक बात क्लियर है मेरी? ठीक है सर, आगे चलते हैं। सर आगे उसने बोला है फिक्स्चर एंड फिटिंग, तो फिक्स्चर एंड फिटिंग को जरा एक नजर देख लेते हैं। यहाँ इसने पता है इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है वैल्यू। वैल्यूएशन का मतलब ये कि आप लोगों ने क्या करना है, रीवैल्यूएशन मेथड यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। रीवैल्यूएशन मेथड क्या करना है, आपने यहाँ पर यूज करना है। क्या मतलब, इसने ओपनिंग वैल्यू दी हुई है, इसने क्लोजिंग वैल्यू दी हुई है, और उसके अलावा इसने इस साल फिक्स्चर एंड फिटिंग बाय भी किए हैं, बेचा कोई नहीं है बेटा, बेचा कोई नहीं है। तो सर इसको कैसे करेंगे, तो आप पहले ओपनिंग बैलेंस लिखें 11,200, ओपनिंग बैलेंस लिखें 11,200, ये मैंने देखे ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा हुआ है। सर इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमने परचेज की वो ऐड करें, ये देखिए मैंने परचेज ऐड किया हुआ है,
उसके बाद सर क्या करेंगे, उसके बाद ये जो हमारे पास क्लोजिंग आ रहा है ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, वो आ जाएगी 1800। अब सर 1800 में से कैफे की इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा, तो इसका आधा जाएगा, इसका आधा जाएगा। 1800 का आधा कितना बनता है, 900 बनता है, 900 बनता है, ठीक है। तो हीट एंड लाइट का 600 और 1800 का आधा 900, ये और आपका कैफे मैनेजर का 14,000 हमने पे किए थे और 1400 अक्रूड थे, मतलब ये बन जाएंगे कोई 15,400, ठीक है, कैफे मैनेजर के। तो मुझे बता सकते हैं प्रॉफिट कितना आया, मेरे पास यहाँ ही आ रहा है 11,710 प्रॉफिट हम कैफे। पेंसिल काम नहीं करती, मैं लिख के बताता हूँ जी गाइस, अगर आप लोगों ने किया हो तो जल्दी से बता दें क्या आंसर आ रहा है। जी गाइस जल्दी से बता दें क्या आंसर आ रहा है। वो आगे कह रहा है कि भाई आप जो है क्या नाम है, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएं, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएं। तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनाएंगे, पहले हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सर ये सब्सक्रिप्शन रिसीव कहाँ पर आएगा, ये क्रेडिट साइड पे आएगा 5,800, ठीक है, ये क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया बेटा, आप लोग लिख लें। उसके बाद वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ओपनिंग भी दिया हुआ है और क्लोजिंग भी दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया है। सर ओपनिंग कहाँ आता है, हम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहे हैं, इनकम का अकाउंट बना रहे हैं, ये क्रेडिट साइड पे जाएगा एज अ बैलेंस बीडी, और ये 400 डेबिट साइड पे जाएगा एज अ बैलेंस सीडी। और सब्सक्रिप्शन इन एरियर भी दिया है, ये एसेट होता है, इसका ओपनिंग डेबिट साइड पे आता है पर वो है नहीं। और 600 जो है ये आपका कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। तो 600 आप क्रेडिट साइड पे लिख लें और सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लें। मुझे बता सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट का अमाउंट कितना आ जाएगा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। बी क्विक गाइस, जाएगा, ठीक है ना, ये वाला अमाउंट चला जाएगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है मेरी, मेरे पास मेरा पेंसिल काम नहीं कर रही और मैं क्लास ऑफ करूंगा तो आपका लॉस होगा, कोर्स पूरा नहीं होगा, इसलिए मजबूरन मुझे इस तरह क्लास देनी पड़ रही, ठीक है बेटा। अब बेटा वो कह रहा है कि आप लोग वो बनाए, क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाए। तो इनकम स्टेटमेंट में सर क्या क्या चीजें जाएंगी, पहले इनकम लिखते हैं बेटा, पहले क्या लिखते हैं, इनकम लिखते हैं। इनकम में जाएगा सब्सक्रिप्शन, फिर उसके बाद आपकी कैफे का जो प्रॉफिट है वो जाएगा, और जो डोनेशन ये कुछ भी नहीं बोला हुआ ये भी आपका जाएगा। तो ये देखिए मैंने साइट पे बनाई हुई है, ये मैंने साइट पे बनाई हुई है। तो इनकम में मैंने लिखा है सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जो सब्सक्रिप्शन थी ये मैंने लिखी हुई है। प्रॉफिट ऑन कैफे मेरे पास 11,710 आ रहा है, ये एक बार दोबारा चेक कर लेना कि 11,710 है या 11,410 है, ये चेक कर लीजिएगा। और डोनेशन में लिखी 2,100 और इसका टोटल मैंने किया तो इसका टोटल आ गया मेरे पास 21,560, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब सर एक्सपेंडिचर के ऊपर आ जाएं। एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें जाएंगी, तो सबसे पहले जाएगा जनरल एक्सपेंस, फिर उसके बाद जाएगा रेंट, अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो करेंगे, मेरे ख्याल से इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये देख लें 7,600, ठीक है, एज इट इज़ लिख दिया। फिर हमने क्या नाम है, रेंट 4,000 एज इट इज़ लिख दिया, शायद कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। उसके बाद बेटा हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट हमारे पास 1200 आया था, उसका आधा लेंगे, उसका आधा कितना बनेगा, 600 बनेगा, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन हमारे पास 1800 आई थी, उसका आधा लेंगे। सर क्यों आधा ले रहे हैं, क्योंकि आधा हमने कैफे में जाके लिखा है, तो ये कितना आएगा, 900। इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर बेटा आते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर आते हैं। अब देखिए आपको सवाल में इसने ये लोन दिया हुआ है, सवाल में इसने आपको ये लोन दिया हुआ है। क्वेश्चन इज इंटरेस्ट किस पे लगता है, इंटरेस्ट जो ड्यू अमाउंट होता है उस पे लगता है, ठीक है। कभी कभार वो ये दोनों दे देता है, ओपनिंग भी दे देता है, क्लोजिंग भी दे देता है, तो आपने हायर पे लगाना है। ये कल बताऊंगा क्यों लगाना है हायर पे। तो वो आपको ओपनिंग भी दे देता है, क्लोजिंग भी दे देता है, हायर पे लगाना है। तो यहाँ 10,000 इसने क्या किया है, 10,000 हमारा लोन था, 10,000 पे आप 8% लगाएं, वो हमारा क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा। तो ऊपर अगर आप जाके देख लें, इसने 2,800 की पेमेंट की है। बेसिकली ये हुआ है, सॉरी, हाँ बेसिकली हुआ ये है कि ये जो 2,800 जिसने पेमेंट की है ना, इसमें 800 इंटरेस्ट के थे और बाकी 2,000 रुपये इसने लोन की पेमेंट की है। मतलब 10,000 रुपये का लोन था, तो इसके बाद अब लोन हो गया कितने का, 8,000 रुपये का, और 800 रुपये इसने इंटरेस्ट के दिए। लेकिन आगे पीछे करके सिंपल बताऊँ, कभी भी आपको इंटरेस्ट दिया हुआ हो तो जो यहाँ लोन की अमाउंट आ रही होती है उस पर लगा रहे होते हैं,
ज्यादातर ये दोनों इक्वल होंगे, ओपनिंग भी इक्वल होगा और क्लोजिंग भी इक्वल होगा। लेकिन अगर ये चेंज हो, ओपनिंग कुछ और हो, क्लोजिंग कुछ और हो, तो आपने इंटरेस्ट हमेशा हायर अमाउंट पे लगाना। तो हमने 8% लगाया 10,000 रुपए के ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 800 रुपए आ गया। ठीक है गाइस, और कोई इसमें एक्सपेंस है नहीं, तो ये एक्सपेंस सारे मैंने यहाँ लिख दिए, टोटल किया, इसका टोटल आ गया हमारे पास 13,900। और फाइनल जो हमारे पास आंसर आ गया माइनस करके 21,560 में से 13,900 माइनस करके आ गया 7,600 आंसर आ गया। यहां तक बातें क्लियर है मेरी? यहां तक बातें क्लियर है मेरी? आप फिर भी बेटा ये सवाल एक बार दोबारा, मई जून 2014 पेपर 2-1 क्वेश्चन 3, बस इसमें एक एडजस्टमेंट कीजिएगा, ये जो कैफे मैनेजर है ना, कैफे मैनेजर, इसका अमाउंट अपने पास लिखना है 1400 बेटा। ये क्या है बेटा? 1400, ये आप अमाउंट में लिख रहे हैं। ये 1400 क्या है? अक्रूड है, ये मैंने लिखवाया, इसके हिसाब से कीजिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। कल मैं इंशाल्लाह बाकी चीज़ें आपको कराऊंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।